बीते दिन त्रिपुरा में हुई हिंसक घटनाओं के बाद वाम दलों ने भी पूरे देश में भाजपा व आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उसी के तहत हमीरपुर में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर अपना रोष प्रकट किया। इस मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव डॉ. कश्मीर सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार पर भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोला और इस तरह की घटनाओं को लोकतंत्र पर हमला करार दिया। हमीरपुर के उपायुक्त कार्यालय के गेट पर एकत्रित होकर सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति हटाने के अलावा आए दिन पार्टी कार्यकर्ताओं के दफ्तर व घरों पर हो रहे हमलों की निंदा की और कहा कि इन घटनाओं से भाजपा का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। अपने प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के साथ त्रिपुरा सरकार की बर्खास्तगी की मांग भी की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव डॉ. कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि आज पूरे देश में भाजपा की गुंडागर्दी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के राज्यपाल को बर्खास्त किया जाए और लोगों के जान माल की रक्षा की जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव जीतने के बाद भाजपा विरोध के खिलाफ दमनकारी नीतियां अपनाती है और पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। हिमाचल अभी तो नहीं हुआ है, पर हिमाचल में भी बहुत सारी जगह पर इस तरह के हमले शुरू हो गए हैं। हमीरपुर कॉलेज में इस तरह के हमले शुरू हो गए हैं, बहुत सारी जगह पर इस तरह के हमले शुरू हो गए हैं। ये हमले जो है इस बात का इशारा है कि भाजपा जो है कतई तौर पर जो है विरोध की राजनीति को स्वीकार नहीं करती है, लोकतंत्र में उसका विश्वास नहीं है, ये हमारा कहना है। और ऐसी लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ हम तमाम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और कल को सारे लोगों पर जो सरकार बीजेपी की नीतियों का विरोध करते हैं उन सारे लोगों का इकट्ठा होना पड़ेगा। कल को भगत सिंह को बोलेंगे, लेनिन का किताब उसके हाथ में था इसलिए जो है भगत सिंह की मूर्ति को गिरा दिया। भाजपा और आरएसएस जो है अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हमेशा, कभी आजादी में कोई योगदान उनका नहीं है और आज जिन लोगों का आजादी में योगदान है उन तमाम लोगों पर हमला जो है बीजेपी कर रही है। लेनिन तो पूरी दुनिया में एक लीडर के तौर पर जाना जाता है, जैसे गौतम बुद्ध को जाना जाता था एक रिफॉर्मर के तौर पर, उसी तरह से जब अफगानिस्तान में तालिबान ने हमला किया गौतम बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी, गौतम बुद्ध तो हिंदुस्तान से, उन पर हमला वहां पर किया गया तो सब लोगों ने उसका निंदा किया। इसी तरह से हमला जो है आज बीजेपी त्रिपुरा में कर रही है, देश के अन्य हिस्सों में कर रही है। भड़केगा पूरे देश में, सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस बात को लेकर इकट्ठा हो रही है, सारे लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं कि लोगों के चुनाव जीतने के बाद लोगों के घर जलाना जो है वो न्याय संगत नहीं है। इसका मतलब उनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, लोकतंत्र में उनका कोई विश्वास नहीं है बीजेपी का, ये हमारा मानना है। ये हिटलरवादी सोच की पार्टी है जिसको फासीवाद बोलते हैं, जिसका मतलब है जनतंत्र का हत्या, इसका मतलब है लोगों पर हमला, ये बीजेपी कर रही है और ये कतई तौर पर देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे देश के अंदर भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी त्रिपुरा के अंदर जो बीजेपी के गुंडों द्वारा चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके की हिंसा वहां पर की जा रही है उसके विरोध में पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें जो गौर करने लायक बात है, जो लेनिन की मूर्ति जो तोड़ी गई, जिस तरीके से एक शराबी जो है वो जेसीबी ले जाकर वहां पर एक मूर्ति को भाजपा के लोगों के साथ वहां पर तोड़ते हैं, भारत माता की जय के नारे वहां पर लगाते हैं, और ये उस चीज को दर्शाता है जिस तरीके से नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, ये उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं और जो भगत सिंह की विचारधारा को जो अपनाने का जो काम त्रिपुरा के अंदर उसकी सरकार ने किया, उस चीज के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है, एक लोकतंत्र के ऊपर हमला है और इस हमले की जो है जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आने वाले समय के अंदर हम ये मांग करते हैं कि त्रिपुरा के अंदर जो है जो कानून व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से लागू किया जाए, वहां के जो राज्यपाल हैं जो वहां पर हिंसा वहां पर हो रही है उसके लिए जिम्मेवार है उनको तुरंत जो है बर्खास्त किया जाए और नरेंद्र मोदी सरकार प्रदेश के अंदर जो है जिस तरीके से जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं जो आरएसएस और भाजपा की जो गुंडागर्दी है उसके ऊपर लगाम लगाई जाए, नहीं तो पूरे देश के अंदर जो है भाजपा और आरएसएस का जिस तरीके से ये जो किसान मजदूरों के ऊपर जो हमला है इसका कड़ा विरोध किया जाएगा।